और वही क्या हालचाल सबके, कैसे हो सब। तो गाइस आज मेरे पास बहुत सारी एंड इंटरेस्टिंग न्यूज है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखेगा। लेकिन उससे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अभी भी आप में से 40% लोग, मतलब ये ऑलमोस्ट 40% लोग हमारे वीडियोस को डेली देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो वही जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट पूरे फ्री फायर कम्युनिटी एंड यूट्यूब कम्युनिटी से मिलते रहेंगे। सो या सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एनीवेज तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं गरेना फ्री फायर पाकिस्तान के बारे में। सो रिसेंटली हमने कम्युनिटी ऐप में एक पोस्ट किया जहाँ पे एक पाकिस्तान के ई-स्पोर्ट प्लेयर ने कुछ ये कहा था, जिसका नाम है टीजी शार्की। हमें नहीं लगता है कि इंडिया की तरफ से कोई मजबूत और कम्पिटेटिव टीम ट्राई सीरीज में पार्ट ले रही है। एंड आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि ट्राई सीरीज एक बेसिकली टूर्नामेंट है। एंड इसके बाद मैं इसी पोस्ट का कमेंट सेक्शन चेक किया तो वहाँ पे काफी सारे लोग बोल रहे थे कि चाहे कोई भी प्लेयर कितना भी टूर्नामेंट क्यों ना जीत ले, उसके अंदर इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। एंड यस, आप लोग इस चीज के बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ एंड हम बात करने वाले मुन्ना भाई गेमिंग के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे कि लास्ट 4 या 5 महीने से कितने सारे यूट्यूबर्स, वो चाहे फ्री फायर के हो या फिर बाहर के हो, उनके कमेंट सेक्शन में कितना ज्यादा स्पैम होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा ही होगा। सो इसी के रिगार्डिंग अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट किया जहाँ पे उन्होंने कुछ ये बताया, फॉर मी रीडिंग कमेंट्स एंड गिविंग रिप्लाई फॉर माई सपोर्टर्स विल गिव मी सेटिस्फैक्शन, बट दीज स्पैमर्स आर मेसिंग अप थिंग्स एंड मेकिंग इट हार्डर। एंड आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों 70% से भी ज्यादा बड़े यूट्यूबर्स अपने कमेंट सेक्शन को चेक नहीं करते हैं, क्योंकि भाई इतना ज्यादा स्पैम होता है कि मूड ही ऑफ हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टोरी की तरफ एंड हम बात करने वाले हैं टू साइड गेमर एंड वासियो CRJ7 के बारे में। तो आज से कुछ दिनों पहले एलिमेंट ई-स्पोर्ट के चैनल पे इन दोनों के साथ एक काइंड ऑफ इंटरव्यू वीडियो आया है, तो अगर आपको ये देखना है देन इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, आप जाके देख सकते हैं। वैसे मैं आपको उन्हीं के वीडियो का एक छोटा सा पार्ट प्ले करके दिखाया हूं, जहां पे उनसे ये पूछा गया कि अगर आपको चैनल ग्रो करना है तो क्या आप कंट्रोवर्सी करोगे एंड और भी बहुत सारी चीजें, आप देखिए। बेस्ट फ्री फायर कंटेंट क्रिएटर If you want to grow your YouTube channel, what will you choose? Doing controversy or roasting famous people? तो नहीं, तो उसके अलावा क्या करोगे? भी अच्छा, gaming. Okay. Obviously, hard work. And what is something that you would want to change about him? Yeah. बहुत चुप रहता है, ऐसा open नहीं होता लोगों के सामने बहुत जल्दी. Okay. And how about him? Like aggressiveness थोड़ा कम कर. Okay, ये काफी opposite personalities हैं, but okay. Tell me something about each other which the viewers don't know. सब तरह से अच्छे हैं, मतलब कुछ चीजें ये नहीं जो लाइक जो है कि इन्फ्लुएंसर है, हाँ वही है, इन्फ्लुएंसर है तो जो जैसा है वो जैसा है वही सब सबके सामने। Okay. तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी की तरफ एंड हम बात करने वाले हैं अनग्रेजुएट गेमर के बारे में। तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि गरेना ने जब से गेम के अंदर वेक्टर गन को दिया उसके बाद काफी सारे लोग उनसे गुस्सा हो गए, मतलब कि मेनली उन लोगों का कहना यही था कि आप वेक्टर गन दो बट ये जो डबल वेक्टर वाला फीचर है इसको एटलीस्ट हटा दो, क्योंकि ऑब्वियसली उसका कुछ ज्यादा ही डैमेज है। एंड मैं आप लोग से झूठ नहीं बोलूंगा, अगर मैं डबल वेक्टर से किसी बंदे को मार देता हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी होती है, बट अगर एनिमी मेरे को डबल वेक्टर से मार दे तो यार बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, फोन पटकने का मन करता है। सो इसी के रिगार्डिंग अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया जहाँ उन्होंने बताया कि आने वाले फ्री फायर अपडेट में डबल वेक्टर गेम से हट जाएगा, आप खुद देख लीजिए वो क्या कहे। आपको पता है कुछ भी चीज नहीं आती तो गरेना पहले उसको क्लासिक में ट्राई करता है। इसमें आप नोटिस करना छोटी छोटी चीजें, सबसे पहले मेरे को क्या दिखा, मेरे को दिखा कि वेक्टर गायब कर दिए गाइस, ठीक है वेक्टर गायब कर दिया भाई लोग, वेक्टर अब नहीं रही है अपने क्लैश स्क्वाड रैंक में, तीनों गेम में से नहीं मिली। और बात ये है तीनों गेम में नहीं मिली वो तो बात अलग है, वो ना ही क्लासिक क्लैश स्क्वाड में दिखी कहीं नहीं दिखी, ठीक है मतलब क्लैश स्क्वाड वाले किसी भी मैचेस में वो मेरे को नहीं दिखी। तो इसका मतलब क्या हो सकता है गाइस, आपको नेक्स्ट वाले OB27 में क्लैश स्क्वाड में वेक्टर 99% देखने को नहीं मिलेगी, तो आप मेरे को बताना ये कैसी बात है, आपके लिए खुशी की या दुख की बात है पहले आप। एंड यस, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताएगा कि गरेना जो वेक्टर गन को गेम से हटा रही है ये सही है या गलत। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी की तरफ एंड हम बात करने वाले हैं देसी गेमर के बारे में। तो कल जब वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो किसी ने उनको ये बताया कि एक यूट्यूबर ने अपने चैट से आपके नाम को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। जी हाँ, जिनको नहीं पता है ब्लैक लिस्टेड क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मान लीजिए आप देसी गेमर का लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं एंड वहाँ पे आप मेरा नाम लिखते हैं यानी कि श्रेय आईटी, तो होगा क्या कि कुछ ही देर बाद अपने आप आपका वो कमेंट डिलीट हो जाएगा एंड इसे बोलते हैं ब्लैक लिस्टेड या फिर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ब्लॉक कर देना। एंड यही सेम चीज जब उनको पता चला वो इस चीज पे रिएक्ट किए, आप खुद देख लीजिए वो क्या कहे। हाँ भाई मेरे को पता है गाइस, कुछ यूट्यूबर ने मेरा नाम भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, मैंने मेरे को पता चल गया, बट कोई बात नहीं यार छोड़ो ना यार, दूसरे से का है कॉम्पिटिशन भाई, अपना अपने से कॉम्पिटिशन है दूसरे से नहीं है।
तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी तरफ एंड हम बात करने वाले हैं एस गेमिंग के बारे में। सो कल इनके चैनल पे फाइनली कंप्लीट हो गए 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अभी, एंड अभी बन चुके हैं इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के तीसरे क्रिएटर टू क्रॉस 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो यस, हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू एस गेमिंग। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी तरफ एंड हम बात करने वाले हैं मैक्स चेन के बारे में। सो रिसेंटली जो अपने इंस्टाग्राम पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई, कि आपको पता है कि पबजी मोबाइल कब आएगा, मतलब कि आएगा या फिर नहीं आएगा, क्या सीन है ऐसा। तो मैं आपको उन्हीं की स्ट्रीम का एक छोटा सा पार्ट प्ले करके दिखा देता हूं। गाइस कोई क्वेश्चन है तो पूछो, वैसे लाइव तुम्हें टाइम पास करना है बस। पबजी कब आएगा? देखो पता नहीं, लेकिन जिस हिसाब से हवा उड़ रही है उस हिसाब से तो लग रहा है 2 महीने में आना चाहिए, मतलब मई या जून, मतलब ऐसे कुछ लग रहा है, लग रहा है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, जिस हिसाब से हवा उड़ रही है इधर से उधर, इस बार सबसे तेज हवा उड़ी है इस बार। ठीक है, तो नॉट श्योर, अगर इतनी तेज हवा उड़ी है तो क्या पता आ जाए 2 महीने, वैसे भी आए ना आए, मैं तो वैसे भी खेल नहीं रहा। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी तरफ एंड बात करने वाले ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो गाइस जैसे कि आप सब जानते होंगे कि एक यूट्यूबर है पायल जोन बोल के, एंड वो अपने चैनल पे कुछ ज्यादा ही अजीब वीडियोस डालती हैं, मतलब कि मैं क्या बोलूं, जैसे कि ये यूट्यूबर मर गया, वो यूट्यूबर मर गया, जबकि ऐसा होता कुछ भी नहीं है। सो रिसेंटली जब ट्रिगर्ड इंसान लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, किसी ने उनसे पूछा कि क्या आप पायल जोन को रोस्ट करोगे, तो इसी का रिप्लाई देते वो क्या कहे, आप खुद सुनिए। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द वीडियो पायल जोन मेड ऑन यू एंड आर यू गोइंग टू मेक अ रोस्ट ऑन हर, बिग फैन, लव यू इन्फिनिटी। नहीं भाई, मेरे कोई थॉट्स नहीं है, बिकॉज एनीथिंग आई से शी इज गोइंग टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट, तो मेरे कोई थॉट्स नहीं है, एंड नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन हर, क्योंकि मतलब सीरियसली यार, तुम कुछ सोचो, डीजे मृणाल बनाता वीडियो तो उसको मैं रोस्ट भी करता, जो मैंने करा भी नहीं, मेरे कोई थॉट्स नहीं है एंड मैं नहीं बना रहा उस पर कोई वीडियो। दस मिलियन पे एक न्यू स्पेशल सॉन्ग वीडियो या फिर आपकी 0 to 10 million की जर्नी का स्पेशल वीडियो बनाना। 10 million पे 2 आइडियाज सोचा है मैंने, जिनमें से एक तो इजी है, वो तो मैं करूँगा ही करूँगा, दूसरा जो है हाँ थोड़ा सरप्राइज टाइप होगा उसकी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, एंड मैं आपको मिलूंगा फिर किसी वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।